हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, हमेशा हम खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं यार, अच्छा नहीं लगता यार, मतलब पैर में बहुत दर्द होता है। तो आज सोच रहे कि बैठ कर वीडियो बनाएं। तो चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे होंगे असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी के बारे में। आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यार इनकी एकेडमिक बिल्डिंग। यार इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र के पास। अगर किसी को नहीं पता कि ब्रह्मपुत्र क्या होता है, गाइस एक ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में, बहुत फेमस है। आप लोगों ने इसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो भाई गूगल कर लो। तो देखो यार, इनकी एकेडमिक बिल्डिंग कितना मज़ेदार है ना, कितना ब्यूटीफुल है, राइट? आपको मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग आएगी, राइट? लेकिन भाई ये मत समझना कि जंगल में जा रहे हो, जंगल में नहीं जा रहे हो, ठीक है? पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? एटमोसफेयर इज टू गुड, यही बस। तो देखते हैं यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो यार, स्टैब्लिश हुई थी 2010 में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है आसाम में। भाई ब्यूटीफुल कैंपस है, ब्यूटीफुल लाइफ है, और क्या चाहिए भाई। बस देखते हैं यार पैकेज वगैरह कैसा है। मोड ऑफ एडमिशन, आप यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हो? तो देखो यार, जेई मेंस के बेसिस पर ही यहाँ पर एडमिशन लेते हैं वो लोग, लेकिन ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन भी होता ही होगा। तो चलिए देखते हैं यार इनकी फीस स्ट्रक्चर। तो फी यार कितना होने वाला है देखते हैं, हर ब्रांच के लिए कैसा कैसा होने वाला है। मतलब ये डिपेंड करता है ना, मतलब तुम्हारा पापा या मानेगी कि नहीं मानेगी, वो डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं यार, अगर आप वी फार्म सेलेक्ट करते हो तो आपकी फीस आपकी होने वाली है 1.6 लाख पर ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर आपकी ये फीस होने वाली है, तो सेकेंड ईयर में बढ़ भी सकता है। फॉर बी टेक प्लस MBA 1.77 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ज़्यादा भी हो सकता है। बी टेक 1.1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है? डिप्लोमा, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज थे तो उनके लिए बस फीस एक ही है, दैट इज 90,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ज़्यादा या कम वो डिपेंड करेगा। BBA दैट इज 90,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, और ज़्यादा भी हो सकता है। BSc के लिए 1 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। BPT के लिए 1.3 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा BPT क्या होता है यार, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना PPT क्या होता है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यार इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और कोर्सेज भी। तो भाई आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इतना बड़ा है यार, मैं कैसे बता सकता हूँ, राइट? आपको क्या करना है, बस PDF को डाउनलोड करना है और देखना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो भाई इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट करके भी बता सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए गाइस एक कोर्स के लिए बता देता हूँ, ठीक है, MTech इट इज सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको इट इज 60% एग्रीगेट होना चाहिए इन BE और BTech डिग्री, ठीक है, 2 साल की कोर्स होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लेबोरेटरी कोर्सेज भी है, और अगर आपको PhD भी करनी है तो रिसर्च कल्चर इज टू गुड, यहाँ की जो रिसर्च कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है भाई। तो देखो यार, PhD इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, नर्सिंग, एलाइट हेल्थ, पैरामेडिकल, हॉस्पिटलिटी और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हॉस्टल फीस कितना होने वाले हैं। तो देखते हैं यार, मेल के लिए और बॉयज इट इज 70K पर ईयर, भाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रूम, आप कैसा रूम सेलेक्ट करते हो, 2 सीटर 3 सीटर ऐसा करके है। तो फीमेल के लिए भाई अप टू 70K पर ईयर, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसा हॉस्टल चाहिए, आपको कितना रूम चाहिए, ये डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं यार थोड़ी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यार आप लोग इतना फीस दे रहे हो, राइट, आप मतलब अपने पेरेंट्स का पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है? तो भाई वाईफाई मिलने वाली है, अगर किसी को मतलब वेब सीरीज़ देखना है बनानी भी हो, अगर किसी को यूट्यूब में वीडियो बनानी है, वेब सीरीज़ बनानी है, तो बता सकते हो यार, मज़े से बना सकते हो, बस एडिट करना आना चाहिए और वीडियो शूट करना आना चाहिए। आई नो ये सबको आता ही है भाई, तो कर लो यार, मज़े से कर लो। जिम फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। तो भाई लोग यार जिम भी अवेलेबल है, मतलब बॉडी बॉडी बनाना है तो बढ़िया तरीके से बनाओ यार, मेरा तो है नहीं, अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तब बना लूंगा यार, तब देखते यार कुछ फर्क आता कि नहीं। तो यार हॉस्टल की जो संख्या है वो बहुत कम है, 2 बॉयज हॉस्टल 2 गर्ल्स हॉस्टल, इतना कम कैसे चलेगा, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतना कम हॉस्टल्स, आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी वालों इतना कम हॉस्टल्स क्यों,
लगता है इनके जो आसपास है बहुत सारे पीजीस या फिर हॉस्टल तो होगा ही होगा, मैंने ये भी सुना था है, तो जाकर देख लो यार होगा अगर किसी को एडमिशन लेना है तो। स्पोर्ट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। अब देखते हैं यार फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलने वाली है। तो देखो यार, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेबोरेटरी, हेल्थ सेंटर, इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम भी है, अगर अगर किसी को मतलब टेबल टेनिस, कैरम वगैरह खेलना है तो बढ़िया तरीके से खेल सकते हो, तो बढ़िया तरीके से चैंपियन वैम्पियन बनो यार, ठीक है। कंप्यूटर सेंटर, हैकिंग बैकिंग करना है लेकिन भाई करना मत, ठीक है, हैकिंग बैकिंग करना मत, ठीक है, बस सीखो यार सीखो, हैकिंग मत करो। गेस्ट हाउस भी है, अगर आपका पेरेंट्स आपको छोड़ने जाता है तो कहाँ रहेंगे, राइट, अब बाहर से स्टेट से आया हो लेकिन कहाँ रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी रह सकते हैं, उस गेस्ट हाउस है। हेलो, देख लेना यार इनके पास जो नंबर ऑफ जिम्स एवरीथिंग्स है, लेकिन इनके पास जो नंबर ऑफ लेबोरेटरीज है वो बहुत ज़्यादा है, 41 लेबोरेटरीज आर डियर, तो इसमें आपको रिसर्च कल्चर यार बहुत बेहतर मिलने वाली है। अब देखते हैं यार कंपनीज विजिट, अब आप इतना पैसे दे रहे हो लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कुछ तो मिलना चाहिए भाई, तो यार बता देता हूँ इनमें बड़ी बड़ी एमएनसीज नहीं आती यार, तो एक रीज़न वो भी है कि आसाम में जो कंपनीज है आईटी कंपनीज वो उतना ज़्यादा नहीं है, हो सकता है एक दो होंगे लेकिन यार ज़्यादा नहीं देखा है, मतलब ये भी एक रीज़न है कि आसाम में कंपनीज ना होने की वजह से या फिर नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, मतलब वहाँ से सेंट्रल से आने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखो यार जॉनसन जॉनसन, आईटीसी, सीएमसी लिमिटेड, एशिया टेक्नोलॉजीज, आईडीबीआई बैंक, ठीक है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है यार, ये एमबीए के लिए भी है, ठीक है, देख लेना यार बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है, और आप अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिले लेकिन आप उसे इस्तेमाल करना है तो भाई स्टार्टअप स्टार्टअप करो यार, स्टार्टअप को भी ये लोग बहुत सारे प्रमोट करते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, डेट इज़ अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ट्राई करते हो आपको मिलेगा, अगर आप में स्किल है, अगर आप में नॉलेज है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बता देता हूँ आप लोगों को, चाहे वो ऑफ कैंपस हो या फिर ऑन कैंपस हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप में स्किल है। अब देखते हैं यार मेन चीज़ के बारे में, डेट इज़ हर कोई इसी के लिए वीडियो को क्लिक करता है, ठीक है, प्लेसमेंट, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रही है, राइट, आप इतने सारे पैसा इन्वेस्ट करो अपने माँ बाप, गाइस वो जाहिर सी बात है कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ तो मिलना चाहिए ना, चाहे वो 10 साल में भी मिले, चाहे वो 5 साल में मिले, चाहे वो 1 साल में मिले, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी तो मिलना चाहिए भाई। तो चलो देखते हैं यार, हाईएस्ट पैकेज जो इनकी है वो 10 LPA है, ठीक है, लोएस्ट पैकेज दैट इज 3.5 LPA, ओके। यार आपको तो पता ही है डेट इज कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी हाई है, कोर ब्रांच की थोड़ी कम होती है, कोर ब्रांच में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होता, कंप्यूटर साइंस में यार मैक्सिमम 70 to 80% होता है प्लेसमेंट, ठीक है, तो अराउंड 60 to 70% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस इन कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं। कल्चरल फेस्ट, तो कल्चरल फेस्ट यहाँ पर क्या होता है, डेट इज एटीट्यूड, नाम है भाई एटीट्यूड, एटीट्यूड बढ़िया नाम है, वैसे वैसे नाम तो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं यार प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है, सबसे पहले बात करें यार प्रोस की, इट इज़ गुड एजुकेशनल एटमोसफेयर भाई, आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ये थोड़ी सी जंगल एरिया में लोकेटेड है, ऐसा नहीं है कि जंगल है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नेचुरल टाइप जगह है, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड है तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ब्यूटीफुल प्लेस विथ रिवर, मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर उसके पास ही लोकेटेड है, नहाना मत जाना भाई, नहाने मत जाना, इसका मतलब ये नहीं कि नहाने जाओगे, नहाना मत ही जाना। बोट एकेडमिकली एंड कल्चरली एक्टिव, और ये भी सुना मैं कि यहाँ पर जो रिसर्च कल्चर है दैट इज टू गुड, ठीक है, रिसर्च कल्चर इज टू गुड। अब देखते हैं यार कॉन्स, प्लेसमेंट इज नॉट टू गुड भाई, सच बताऊँ यार प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, आप देख ही सकते हो कि 10 LPA इनकी हाईएस्ट पैकेज है, तो लोएस्ट यार मीडियम सैलरी कितने वाली है, आप सोचो यार एवरेज सैलरी कितने वाले है, आप सोचो खुद ही सोचो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होने वाली है, वही चीज़ है यहाँ पर, अटेंडेंस इशू, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस में यार, अटेंडेंस अगर प्रॉब्लम हो गई तो वो, लेकिन गाइस अटेंडेंस की यार ठीक ही है, अगर आप अच्छे पैकेज क्रैप नहीं कर पाओगे तो आपके पापा तो एक चमाट मारेगा ना, तो वो चमाट खाने से अच्छा है कि पढ़ो यार, पढ़ो और अच्छे पैकेज को लो यार। तो गाइज यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको किसी भी कॉलेज की रिव्यू चाहिए तो कमेंट करो यार, वीडियो आपको मिल जाएगी, आपके भाई आपके लिए वीडियो लाएगा ही लाएगा, ठीक है,
अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो भाई यार इंस्टाग्राम या आईडी यहाँ पर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आप रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई। अगर आपको थोड़ी बातचीत करनी है मुझसे तो यार इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा या फिर भाई डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन करो। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो पूछो भाई, बेधड़क पूछो, जवाब जरूर मिलेगा भाई। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड बाय। लेकिन गाइस आपको तीन चीज़ें करनी है, दैट इज वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। भाई आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं यार, बहुत सारे लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हो सब्सक्राइब नहीं। अरे सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा करो यार, थोड़ा सा करो ना। देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं लगी तो मत करना। नमस्कार।